शुरुआती वलण में भाजपा आगे चली रही है। कुल 20 बैठकों जो है तेना ट्रेंड सामने आ रहा है, जेमाथी 15 बैठकों पर भाजपा आगे और 5 बैठकों पर कांग्रेस आगे चली रही होवानु सामने आ रहा है। बिल्कुल, એટલે જે શરૂઆતી રુઝાન છે પંકજ તે અત્યારે ભાજપ તરફી લાગી રહ્યા છે। બિલકુલ, અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે આ ખૂબ સારી વાત છે કે તેમના ઉમેદવારો અત્યારે આગળ જોવા મળી રહ્યા છે। તો આ સાથે જ વધુ એક અપડેટ સામે આવી રહી છે, 20 બેઠકોના ટ્રેન્ડ સામે આવી રહ્યા છે। વાસ્તા અને વ્યારામાં કોંગ્રેસ આગળ ચાલી રહી છે, કચ્છની માંડવી અને ભુજમાં ભાજપ આગળ ચાલી રહી છે, શરૂઆતી વલણમાં ભાજપ આગળ। तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर उनको ज्यादा काम बताना पड़ता है उन्होंने क्या किया डेढ़ साल में, क्योंकि बीच में से आए हैं। अर्लियर चीफ मिनिस्टर को घर बैठा दिया था, तो ये बाद में आए हैं, तो उन्होंने विस्तार के लिए क्या किया। तो मैंने डोर टू डोर जाके प्रचार किया है, समझने की कोशिश की है कि ऊपर मेट्रो देखते पर नीचे पानी नहीं आता है, महिलाओं को इतनी तकलीफ है, बच्चे की स्कूल बंद हो गई है, तो ये सारे इश्यूज मैंने देखे। तो मैंने मेरा पूरा 100% एफर्ट डाला है, फिर प्रजा की जो इच्छा। अच्छा अमित, लेकिन एक और बात है कि उनकी बात अगर की जाए तो हाईएस्ट लीड से पिछले चुनाव में घाटोड़िया ने जिताया था, तो इस बार तो वो सीएम है और इस बार कोई आंदोलन भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इतिहास और बनेगा। नहीं, प्रजा का जो मत है प्रजा तय करेगी। मैंने मेरा एफर्ट किया है, उन्होंने जो काम किए होंगे वो उन्होंने बताए होंगे। अभी आपने पूरा एफर्ट किया है, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो प्रचार प्रसार में काफी ठंडी रही है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको लग रहा है? आपको लगता है रैली निकाल से प्रचार प्रसार बढ़ जाता है? लोगों को जो कष्ट होता है, लोगों को जो हाल एक अपडेट आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 70 बैठक पर आगर छे, जारे कांग्रेस 5 बैठक पर आगर छे। कुल 22 बैठक जे छे एना जे वलणो शुरुआतना सामे आव्या छे ते प्रमाणे भारतीय जनता पार्टी 17 बैठक पर आगर चाली रही छे, जारे कांग्रेस 5 बैठक पर आगर चाली रही छे। शुरुआती वलणमां अहींया भारतीय जनता पार्टी माटे सारा समाचार कही शकाय के 22 बैठकमांथी 17 बैठक पर बीजेपी ना उम्मीदवार आगर चाली रह्या छे, जारे 5 बैठक पर कांग्रेस ना उम्मीदवार आगर चाली रह्या छे। अत्यार सुधीमां 22 बैठकोना शुरुआती वलण जे सामे आव्या छे તેના પરિણામો અમે આપને સૌથી પહેલા સૌથી ઝડપી બતાવી રહ્યા છે। અલગ અલગ મત ગણતરી કેન્દ્રો પરથી પણ જે પરિણામો આવી રહ્યા છે અને જે શરૂઆતી વલણ અને શરૂઆતી રુઝાન પણ આવી રહ્યા છે એ પણ આપણે બતાવી રહ્યા છે। અત્યાર સુધીમાં 22 બેઠકોની જે સ્થિતિ સામે આવી છે તે પ્રમાણે 17 બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ છે, જ્યારે કોંગ્રેસ 5 બેઠક પર આગળ છે। કુલ 22 બેઠકના શરૂઆતી વલણ સામે આવ્યા છે। અત્યારે બેલેટ પેપરની ગણતરી ચાલી રહી છે અને આ બેલેટ પેપરમાં જે પાર્ટી અત્યારે આગળ ચાલી રહી છે તે સ્થિતિ અમે આપણે બતાવી રહ્યા છે, જે શરૂઆતી વલણ છે। 8:30 વાગે ઈવીએમની ગણતરી પણ શરૂ થઈ જશે, જેની પણ અમે આપને અપડેટ આપીશું। હાલ એક અપડેટ આવી ગઈ છે, 23 બેઠક ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર આગળ છે, 6 બેઠક ઉપર કોંગ્રેસ આગળ છે, 29 બેઠક પર શરૂઆતી રુઝાન જે આવ્યા છે, શરૂઆતી વલણ જે આવ્યા છે એમાં 23 બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ જોવા મળી રહી છે, કોંગ્રેસ 6 બેઠક પર આગળ જોવા મળી રહી છે। કુલ 29 બેઠકના શરૂઆતી વલણ, ભાજપ 23 બેઠક પર આગળ, જ્યારે કોંગ્રેસ 6 બેઠક પર આગળ છે। હાલ એલડી એન્જિનિયરિંગ થી રચના ઉપાધ્યાય મારી સાથે જોડાયા છે। રચના, બતાએ આપ ઇસ વક્ત ક્યા દેખ રહે હૈ વોટિંગ કાઉન્ટિંગ સેન્ટર કે બહાર? देखिए, इस वक्त मैं एलडी कॉलेज के बाहर जो काउंटिंग एलईडी स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पर जिस तरीके से अब वैलिड पेपर्स खुलने लगे हैं और रुझान सामने आने लगे हैं, तो धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ेगा रिजल्ट्स भी सबके सामने आने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है। अभी कुछ देर पहले कांग्रेस की अमी याग्निक अंदर पहुंची है, जो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। और